जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आज मैं एक ऐसे गांव में आया हूं जहां की एक बच्ची एजी में फर्स्ट रैंक लाई है और उनकी पूरी फैमिली यहां पर मौजूद है इस वक्त, और वो बच्ची भी और उसकी बड़ी बहन भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनके पापा से बात करूंगा। सर, नाम क्या है आपका? कुमार शास्त्री जी। अच्छा, सुनने में आया कि आप भी टीचर हैं। हाँ। बधाई हो। क्या नाम है आपका? प्रियंका रानी। प्रियंका रानी, जब रिजल्ट आया तो आपको उस वक्त कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। 11th क्लास में हो? हाँ, इस साल 12th में हम जाएंगे। अभी 12th में जाओगे? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, हमारा वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य होता है हर एक छात्र में एक मोटिवेशन लाना, है ना, और एजुकेशन को हमेशा बढ़ावा देते रहिए। उनके साथ उनकी बहन भी बैठी हैं, हो सकता है हम क्वेश्चन भी कर लें। वैसे नाम क्या है आपका? प्रिया रानी। आप भी एग्रीकल्चर से किए हो क्या? नहीं, आर्ट। आर्ट से किए हो। तो कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी फर्स्ट रैंक लाई है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मिठाई उठाई खा के जाएंगे सर, है ना? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र इंटर कॉलेज खुराडी राजगढ़ मिर्जापुर। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो वहाँ से आपने फर्स्ट रैंक लाया है ना? चलिए, और आप भी वहीं पे पढ़ती थी, आप क्या करती हैं वैसे? इसमें हम ग्रेजुएशन करते हैं, इसमें कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद बीएड करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद टीचिंग भी कराएंगे। और पापा भी इनके टीचर हैं, अच्छी बात है। और चूंकि ये जो गांव है, इस माहौल में रहकर इतने अच्छा एजुकेशन देना बच्चों को अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टोटल आपके पास ये आपकी दो बच्चियां हैं यहाँ पे और दोनों ही अच्छा एजुकेशन ले रही हैं। और भी बच्चे हैं आपके, है ना? हाँ, एक लड़का है, एक लड़की और हैं, और वो भी ट्यूशन गए हैं मेरे ख्याल से अभी। हाँ, ट्यूशन गए। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपके गांव का क्या नाम है? निकरिका, है ना? अच्छा, निकरिका के और भी बच्चे हैं जो एजी से करते हैं? नहीं, सिंगल आप हो? हाँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए आप लोग, जरा दोनों बहनें आ जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि हम अकेले खड़े हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं। हाँ, अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते हो ये बता दो। इस समय तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखो झूठ नहीं बोल रही है, सच है। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? इस समय मेरा कॉलेज अभी नहीं चालू है, इसलिए मेरी भी पढ़ाई बंद है, बस कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, तो वहीं बस पढ़ते हैं इस समय। अच्छा, घर में कोई काम करते हैं सर ये लोग? हाँ, घर में तो काम करते हैं कुछ ना कुछ तो। हाँ, हम भी यहाँ के होम मिनिस्टर से पूछेंगे। अच्छा, घर में आपका हाथ बटाते हैं कि नहीं दोनों बच्चे? हाँ, सब काम बटाती हैं। अच्छा, हाथ बटाती हैं, बहुत बढ़िया है। खेत में, घर में, कोई भी काम हो घर में प्रॉपर करना चाहिए। मम्मी पापा का हाथ बटाते हुए और फैमिली को लेकर चलते हुए, चूँकि पापा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, साथ में मम्मी के ऊपर भी होता है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई भी हो, अपने घर में प्रॉपर मम्मी पापा का हाथ भी बटाएं और अपना साथ में तैयारी भी करें और पढ़ाई भी करते रहें। तो आगे अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है ना? हाँ। चूँकि स्कूल का नाम रोशन हो रहा है, घर वालों का, मम्मी पापा का नाम रोशन हो रहा है। जी जी। तो आपको भी करना है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। वैसे गोबर कौन फेंकता है? मम्मी। हाँ, मम्मी। झूठ मत बोलिए, तो आप फेंकती होंगी? जब मम्मी नहीं रहती तो मम्मी का सारा काम हमें करना पड़ता है ना, तो उससे वो भी करना पड़ता है। गाय है कि भैंस है? दोनों दोनों। गाय भैंस दोनों है? हाँ। भाई साहब, गोबर मैं फेंकता हूँ अपने घर में। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रही कि हम नहीं फेंकते, मम्मी फेंकती हैं। तो अब कल से आप लोग फेंकना यार। नहीं, पर खाना बनाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप लोग भी थोड़ा रहम खाइए, कब तक गोबर फेंकवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ें और भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ, जैसे आप लोग हैं, इंटरव्यू करने का मौका मिले, सौभाग्य मिले। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर भी करें, है ना? चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों को कैसा लगा वैसे मैं इधर आया? बहुत अच्छा लगा।